कि तुम कूच करने से पहले पहले उस लश्कर का हरावल दस्ता इस टीले के पीछे से नमूदार होता हुआ देख लोगे उसकी बातें सुनकर मक्की लश्कर के हौसले पस्त हो गए अजायम ढीले पड़ गए चुनाचे अबू सुफियान ने एक काफिले के जरिए से ये पैगाम भेजा लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, उनसे डरो पैगाम उन्होंने इसलिए भेजा कि मुसलमान उनकी तरफ ना आए जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है इस धमकी का उन पर कोई असर न हुआ इस धमकी ने उनके ईमान को और बढ़ा दिया अल्लाह ताला तूरह आले इमरान की आयत एक में फरमाते हैं उसने उनके ईमान को और बढ़ा दिया और उन्होंने कहा अल्लाह हमारे लिए काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है आगे सूरह आले इमरान आयत एक में फरमाया चुनाचे वो अल्लाह की नेमत और फजल के साथ पलटे उन्हें किसी बुराई ने और उन्होंने अल्लाह की रिजामंदी की पैरवी की और अल्लाह बड़े फजल वाला है इस साल यानी तीन हिजरी में सैदना हसन रजी अल्लाह अनहो पैदा हुए नबी करीम अलैहि वसल्लम ने सैयद ना उमर फारूक रजी अल्लाह अनहो की बेटी सैदा हफ्सा रजी अल्लाह अनहा से निकाह किया सैदा जैनब बिन ते खुजैमा रजी अल्लाह अनहा से भी निकाह फरमाया लेकिन ये चंद माह जिंदा रहीं। वरासत का कानून भी इसी साल नाजिल हुआ मुशरिका से निकाह मुसलमानों के लिए अब तक जायज था इसी साल हराम करार पाया ओहद में मुसलमानों को जो वक्ती शिकस्त उठाना पड़ी उसके असरात अच्छे नहीं निकले दुश्मन दलेर हो गए और वो खुलकर मद्दे मुकाबला आ गए और कई वाकयात ऐसे पेश आए जो मुसलमानों के हक में बेहतर नहीं थे यहाँ हम उन वाकयात का जिक्र करते हैं अजल और कारा कबाइल के कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और दरख्वास्त की ए अल्लाह के रसूल हमारे यहाँ इस्लाम का चर्चा है लेकिन दीन सिखाने वाला कोई नहीं लिहाजा आप हमें दीन सिखाने और कुरान पढ़ाने के लिए कुछ लोगों को भेज दें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दरखास्त सुनकर अपने दस सहाबा को सैदिना आसिम बिन साबित रजी अल्लाह की अमारत में रवाना फरमाया जब ये लोग रजी के मकाम पर पहुंचे तो उन लोगों ने गद्दारी की और कबीला हुएल की एक शाख बनहान को उन पर चढ़ा लाए उनके करीबन सौ तीर अंदाजों ने उन्हें एक टीले पर घेर लिया फिर उन्हें ये पैमान दिया कि अगर वो लड़े बगैर नीचे उतर आए तो वो उन्हें कत्ल नहीं करेंगे उनकी बात सुनकर आसिम रजी ने उतरने से इनकार कर दिया और अपने साथियों के साथ मिलकर जंग शुरू कर दी इस तरह इस जंग में सात साहबा शहीद हो गए तीन बाकी रह गए कुफार ने फिर वही अहद दिया चुनाचे वो तीनों टीले से उतर आए मगर कुफार ने बद आहदी की और उन्हें बांध लिया इस पर उनमें से एक ने कहा यह तुम्हारी पहली बद आहदी है मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा कुफार ने उन्हें कत्ल कर दिया और बाकी दो को मक्के ले चले मक्के ले जाकर उन दोनों को बेच दिया ये दोनों खुबैद बिन आदि और जैद बिन डुमा थे

कि अल्लाह की राह में किस पहलू पर कत्ल होता हूं और ये तो अल्लाह की जात के लिए है और अगर वो चाहे, तो किए हुए आज़ाके जोड़-जोड़ में बरकत अदा कर दे इसके बाद अबू सुफियान ने खुबैब रजी अल्लाह से कहा क्या तुम्हें ये बात पसंद है कि तुम्हारे बदले मुहम्मद हमारे कब्जे में होते और हम उनकी गर्दन मारते और तुम अपने आहलो इयाल में होते जवाब में उन्होंने फरमाया कवारा तो नहीं की मैं अपने चुभ जाता और वो आपको तकलीफ देता यानी मैं तो अपनी जान बचाने के बदले में उन्हें कांटा चुभने के बराबर भी तकलीफ देना गवारा नहीं करता और फिर अचानक हारिस बिन आमिर के बेटे ने उन्हें बाप के बदले में कत्ल कर दिया अब रह गए जैद बिन दसिना उन्होंने गजवा बद्र में उमैया बिन मोहरिस को कत्ल किया था चुनाचे उन्हें उसके बेटे सफवान बिन उमैया ने खरीद कर कत्ल किया बास कुतुब में यूं है कि ये गुफ्तगू अबू सुफियान और सैयदना खुबैब रजी अल्लाह के दरमियान नहीं हुई थी बल्कि जैद बिन दसिना से हुई थी सयदना आसिम बिन साबित रजी अल्लाह अनहो की शहादत के बाद कुरैश ने उनका सर काट लाने के लिए अपने कुछ लोगों को भेजा जब ये लोग लाश के पास पहुँचे तो अल्लाह ने उनकी हिफाजत के लिए भिड़ों का झुंड भेज दिया उन भिड़ों ने कुफार को उनके नजदीक नहीं फटकने दिया दरअसल सैदना आसिम रजी अलाहो ने शहादत से पहले ये दुआ की थी अय अल्लाह ये कुफ्फार मेरी लाश को न छूने पाए सो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और लाश की हिफाजत के लिए भिड़ों को भेज दिया सै उमर रजी अल्लाह अनहो को इस वाकये की खबर हुई तो फरमाया करते थे कि अल्लाह मोमिन बंदे की हिफाजत उसकी वफात के बाद भी करता है जैसे उसकी जिंदगी में करता है उन्ही दिनों इस किस्म का सानहा बेर माउना पर पेश आया ये वाक रजी वाले वाक से कहीं ज्यादा लमनाक था इसका खुलासा ये है कि अबू बरा आमिर बिन मालिक मदीना तैयबा में आया और खिदमत नबवी में हाजिर हुआ ये मुलायबुल असिन्ना के लकब से मशहूर था इसका मतलब है नेजों से खेलने वाला आपने उसे इस्लाम की दावत दी उसने इस्लाम कबूल न किया लेकिन दूरी भी इख्तियार न की और ये उम्मीद जाहिर की कि अगर आहले नज्द के पास तबलीग के लिए आदमी भेज दिए जाएं, तो वो इस्लाम कबूल कर लेंगे उसने ये भी कहा कि आप जिन लोगों को भेजेंगे वो मेरी पनाह में होंगे। ने सत्तर उन्होंने बेरे माउना पर पड़ाव डाला सदना हराम बिन मिलहान रजी अल्लाह रसूल सलम का खत लेकर कबीले के सरदार अल्लाह के दुश्मन आमिर बिन तुफैल के पास गए उसने खत पढ़ने की बजाय अपने एक आदमी को इशारा किया कि उन्हें कर दे। उसने कमर की तरफ से नेजे का वार किया नेज़ा आर पार हो गया वो ये कहते हुए गिरे रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया फिर उस बद तीनत ने फौरन ही बाकी सहाबा पर हमला करने के लिए बनु आमिर को आवाज दी वो लोग इसलिए ना आए कि अबू बरा आमिर बिन मालिक ने मुसलमानों को पनाह दी थी उन्होंने उसकी आवाज पर कान न धरे चुनाचे उसने बनू सुलैम को आवाज दी बनु सुलैम और उसकी चंद शाखों रेल जकवान और उसैया ने आकर साहब किराम रजी अल्लाह का मुहासरा कर लिया और सबको शहीद कर डाला सिर्फ काब बिन जैद और अमर बिन उमैया जमरी रजी अल्लाह बच रहे काब बिन जैद तो जख्मी थे उन लोगों ने उन्हें मुर्दा ख्याल किया चुनाचे उन्हें बाद में शोहदा के दरमियान से उठा लिया गया वो जिंदा रहे और गजवाए खंडक में शहीद हुए अमर बिन उमैया जमरी मुंजिर बिन उकबा के साथ ऊंट चराने के लिए गए हुए थे उन्होंने पड़ाव की जगह पर परिंदों को मुंडलाते देखा तो भाप गए के कोई सानहा हो गया है फौरन वहां पहुंचे हालात देखकर मुंजिर बिन उकबा ने उन दुश्मनों से लड़कर शहीद होने का फैसला किया चुनाचे वो उनसे लड़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए अमर बिन उमैया को कैद कर लिया गया जब आमिर बिन तुफैल को बताया कि उनका ताल्लुक कबीला मुजर से है तो आमिर ने उनकी पेशानी के बाल कटवाकर अपनी मां की तरफ से उन्हें आजाद कर दिया उसकी मां ने एक गर्दन आजाद करने की मन्नत मानी थी अमर बिन उमैया रजी अल्लाह अनहो मदीना मुनवरा की तरफ रवाना हुए रास्ते में करकरा नामी एक मकाम पर पहुंचे तो बनू किलाब के दो आदमी मिले अमर बिन उमैया रजी अल्लाह ने उन्हें दुश्मन के आदमी ख्याल किया और कत्ल कर दिया हालांकि उनके पास रसुल्लाम की तरफ से आहद मौजूद था चुनाचे जब ये मदीना मनवरा पहुंचे और इस की वाक दी तो रसुल्लाम ने फरमाया तुमने दो ऐसे आदमियों को कत्ल किया है जिनकी दीयत मुझे देना होगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक रजी और बेर माउना से बहुत रंज पहुंचा ये दोनों हादसे एक ही महीने यानी सफर चार हिजरी में पेश आए थे और कहा जाता है कि दोनों हादिसात की खबर आपको एक ही रात में पहुंची थी आपने उन कातलों पर तीस दिन तक नमाज फजर में बदवा फरमाई यहाँ तक के अल्लाह ने उन शोहदा की तरफ से ये पैगाम नाजिल किया हमारी कौम को हमारी तरफ से ये बात पहुंचा दे कि हम अपने रब से मिले तो वो हम से राजी है और हम उससे राजी हैं कनूत तर्क कर दी अमर बिन उमैया जमरी रजी अल्लाह ने जब वापस आकर बनु किलाब के दो आदमियों के कत्ल की इतला दी तो रसूल चंद सहाबा के साथ बनु नजीर के पास तशरीफ ले गए मुआहदे के मुताबिक दोनों मकतूलिन की दीयत में मदद करें उन्होंने आपसे कहा अबुल कासिम हम ऐसा ही करेंगे आप तशरीफ रखिए हम आपकी जरूरत पूरी किए देते हैं उन लोगों ने आपको एक दीवार के नीचे बिठाया आप दीवार से टेक लगाकर बैठ गए उधर यहूद जमा हुए उन पर शैतान सवार था उन्होंने बाहम मशवरा किया और कहा हम में से कौन है जो इस भारी पत्थर को ऊपर ले जाकर आपके सर पर गिरा दे इस पर एक बदबखतरीन यहूदी अमर बिन जोहाश उठा उसने कहा यह काम मैं करूंगा फिर उसने पत्थर उठाया और उसको ऊपर की तरफ ले चला इधर जिब्राइल अल्लाम ने आकर नबी वसल्लम को उनके इरादे की खबर कर दी चुनाचे आप तेजी से उठे और मदीना मुनवरा चले आए बाद में साबा रन्ह भी आपसे आ मिले आपने उन्हें साजिश से आगाह फरमाया इस वाकये पर नबी करीम सलम ने मोहम्मद बिन मसलमा रजियाल्लाहू को बनु नजीर के पास भेजा उनके जरिए से आपने यहूद को पैगाम दिया तुम लोग मदीने से निकल जाओ अब तुम यहाँ नहीं रह सकते तुम्हें दस दिन की मोहलत है इसके बाद जो यहाँ नजर आया उसकी गर्दन मार दी जाएगी रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर यहूदियों ने वहां से चलने की तैयारी शुरू कर दी लेकिन इसी दौरान में रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई ने उन्हें कहला भेजा डट जाओ और यहाँ से निकलने से इनकार कर दो मेरे साथ दो हजार जंगजू हैं वो तुम्हारे साथ तुम्हारे कलों में दाखिल होंगे और तुम्हारी हिफाजत की खातिर जान दे देंगे और बनु कुरैजा और बनु भी तुम्हारी मदद करेंगे उसका पैगाम सुनकर यहूद ने अपने अंदर कुत और मजबूती महसूस की और रसूल सल्लाह सल से कहला भेजा कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे आप जो कर सकते हैं कर लेकर रसूल लाह लाह ने कहा अल्लाह अकबर हाबा रजी अल्लाह अनह ने भी मिलकर कहा अल्लाह अकबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनवरा का इंतजाम सैयदना इब्ने उम्मे सैदना रजी अल्लाह अलाहो को सौंपा और झंडा सैयदना अली रजी अल्लाह अनहो को मरहमद फरमा कर बनु नजीर के इलाके का रुख किया वहां पहुंचकर उनका मुहासरा कर लिया उन्होंने भी अपने कलों और गढ़ियों में पनाह ले ली और इस्लामी लश्कर पर तीर और पत्थर बरसाने लगे नबी अलैहि वसल्लम ने देखा कि खजूर के, के दरख्त और बागात उनके लिए ढाल बने हुए हैं चुनाचे आपने उनको काट देने और जला देने का हुक्म फरमाया इस अमल से यहूदियों के हौसले टूट गए और अल्लाह ने उनके दिलों पर मुसलमानों का रोप तारी फरमा दिया चुनाचे छह रोज बाद या एक दूसरी रिवायत के मुताबिक पंद्रह रोज बाद उन्होंने इस शर्त आरोप हथियार डाल दिए की वो मदीना मुनवरा ऐसी जलावतन हो जाएंगे इस मौके पर बनु कुरैज़ा भी इनसे अलग थलग रहे के सरदार और उनके हलीफों ने भी वादा खिलाफी की और उनकी मदद को ना आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाजत दी कि वो हथियारों के सिवा जो साजो सामान चाहे ले जा सकते हैं चुनाचे उनसे जो कुछ हो सका ले गए यहाँ तक के दरवाजे खिड़कियां खूंटियां और छतों की कड़ियां तक ले गए अल्लाह ताला हश्र की आयत दो में इस बारे में फरमाते हैं वो अपने हाथों और आहले ईमान के हाथों अपने घर बर्बाद कर रहे थे पस ए आहले बसीरत इब्रत पकड़ो। इस जिला वतनी के बाद उनकी अक्सरियत और बड़े लोगों ने खैबर में क्याम किया उनका एक छोटा ग्रोह मुल्क शाम जा बसा रसूल सल्लाह सल ने उनकी जमीन और इलाका खास मुहाजरी ने अवलीन में तकसीम फरमा दिया सिर्फ दो अंसारी सहाबा अबू दुजाना और सहल बिन हुनैफ रजी अल्लाहुमा को उनकी तंग दस्ती के सबब इसमें से अता फरमाया इसके अलावा आप इसी में से अपनी अजवाज मुतहरात का साल भर का खर्च निकालते थे इसके बाद जो कुछ बचता उसे जिहाद की तैयारी के लिए हथियारों और घोड़ों की खरीदारी में सर्फ फरमाते थे आपने उनके पास से पचास खौद और तीन सौ तलवारें भी पाए अबू सुफियान ने ओहद में ऐलान किया था कि अगले साल जंग होगी चुनाच शाबान चार हिजरी की आमद पर रसूल ने उसके ऐलान के मुताबिक बद्र का रुख किया वहाँ आठ दिन ठहर कर अबू सुफियान का इंतजार करते रहे आपके साथ डेढ़ हजार का लश्कर और दस घोड़े थे झंडा सईदना अली रजी अल्लाह के हाथ में था आपने मदीने का इंतजाम अब्दुल्ला बिन रबाहा सपुर्द किया था दूसरी तरफ अबू सुफियान भी दो हजार का लश्कर लेकर रवाना हुआ जिसमें पचास सवार थे मजिन्ना नाम के मशहूर चश्मे पर पड़ाव डाला लेकिन शुरू ही से उन पर रोप सातारी था वापसी के बहाने सोचने लगा बिलाखिर यहां पहुंचकर उसने अपने साथियों से कहा जंग उस वक्त मुनासिब होती है जब शादाबी हो और हरियाली हो ताकि जानवर चर सके और तुम भी दूध पी सको इस वक्त खुशख साली है लिहाजा मैं तो वापस जा रहा हूँ तुम भी वापस चले चलो इस पर पूरा लश्कर किसी मुखालिफत के बगैर वापस हो गया मुसलमानों को जब उनके वापस होने की खबर मिली तो उन्होंने अपना सामान्य तिजारत फरोख्त किया खूब नफा कमाया और इस शान से वापस लौटे कि हर दुश्मन पर उनकी धाक बैठ चुकी थी और हर तरफ अमनो अमान कायम हो चुका था चुनाचे एक साल से ज्यादा अरसा गुजर गया और दुश्मनों को कुछ करने की जरूरत न हुई इसी वजह से रसूलुल्लाह वसल्लम को आखिरी हदूद तक अमन फैलाने का मौका मिला चुनाचे रबी अव्वल अवल पांच हिजरी में डाकुओं की सरकोबी के लिए दो जंदल तशरीफ ले गए और यूं हर तरफ अमनो अमान हो गया बनु नजीर मदीना मुनवरा से निकलने को तो निकल गए मगर खैबर पहुंचकर उन्होंने अपनी साजिशों का जाल सारे मुल्क अरब में फैला दिया उनके रईसों ने मक्के जाकर कुरैश को आमादा किया कबीला गतफान को खैबर की आधी पैदावार का लालच देकर अपने साथ मिला लिया बनी असद उनके हलीफ थे वो भी उठ खड़े हुए गरज सब मिल मिलाकर दस हजार का भारी लश्कर मदीना मुनवरा की तरफ रवाना हुआ जब नबी अक्रम सलाम को उनकी चढ़ाई की खबर मिली तो आपने सहाबा राम से के राम रोज़ी अल्लाह ऐसी मशवरा किया सयदना सलमान फारसी रोजी अल्लाह ने मशवरा दिया की शहर के तीन अतराफ में दुशवार गुजार पहाड़ मकानात और खजूरों के घने बागात हैं जो पनाह का काम देते हैं सिर्फ शिमाली समत खुली है अगर वहाँ खंदक खोद दी जाए तो शहर का हमला रोका जा सकता है आपने ये राय पसंद की लिहाजा आपने उसी जानब हर्रा शर्फिया और गरबिया के दरमियान का सबसे तंग मकाम मुंतब किया जो कमो बेश एक मील है वहां खंदक खोद कर दोनों हर्रों को मिला दिया मगरब में ये खंदक सला पहाड़ी के शिमाल से शुरू होती थी और मशरक में मकाम शेखान के पास हर्रा शर्किया के एक बढ़े हुए सिरे से जा मिलती थी आपने हर दस आदमियों को चालीस हाथ खंदक खोदने का काम सौंपा और खुद भी खंदक खोदने और मिट्टी ढोने में शरीक हो गए लोग रिज्त पढ़ते और आप जवाब देते नीज आप रिज्त पढ़ते और लोग जवाब देते थे लोगों ने खंदक खोदने में बड़ी मशक्कतें बर्दाश्त की बिलखसूस सर्दी और भूख की शिद्दत लोगों ने रसूल्लाह सल्लाह से भूख की शिकायत की और अपने पेटों पर एक एक पत्थर बंधे हुए दिखलाए तो आपने उन्हें अपने पेट पर दो पत्थर दिखला दिए की खुदाई के दौरान बाज निशानियां भी देखने में आई सैयदिना जाबिर ने रसूल सल वसलम की भूख की सख्ती देखी तो सब्र न कर सके अपनी बकरी का एक बच्चा जबह किया और उनकी बीवी ने एक जौ पीसे फिर खुफिया तौर पर रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम को चंद सहाब किराम समेत दावत दी मगर रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम सारे आहले के साथ जिनकी तादाद एक हजार थी चल पड़े और सब ने शिकम सैर होकर खाया फिर भी हांडी भरी हुई उबलती रही और आटे से रोटी पकती रही इस तरह सैदिना बरा के साथियों का एक सख्त चटान से सामना हुआ नबी सल्ला वसलम ने उतरकर बिस्मिल्लाह कहा और कुदाल से एक जरब लगाई तो एक टुकड़ा कट गया और उससे एक रोशनी निकली आपने फरमाया अला अकबर मुझे शाम की कुंजियां दी गईं और इस वक्त मैं उसके सुर्ख महल देख रहा हूँ इसके बाद आपने दूसरी जरब लगाई और फतेह फारिस की खुशखबरी सुनाई फिर तीसरी जरब लगाई और फतेह यमन की खुशखबरी सुनाई और पूरी चट्टान कट गई उधर पुरैश और उनके पैरोकार चार हजार का लश्कर लेकर आए उनके साथ तीन सौ घोड़े और एक हजार ऊंट थे उनका सालार अबू था और झंडा उस्मान बिन तलहा ने उठा रखा था जब ये लश्कर मदीना के करीब पहुंचा तो खंदक देख कर दंग रह गया चुनाची उन्हें मदीना मुनवरा के बाहर पड़ाव करना पड़ा इधर तीन हजार मुसलमान पूरी तरह होशियार थे और खंदक की निगरानी कर रहे थे दोनों अतराफ से तीरंदाजी शुरू हुई जो कई दिन तक जारी रही एक रोज मुशरकिन के शाह सवारों की एक जमात ने एक तंग मकाम से खंदक अबूर कर ली उन लोगों में अमर बिन अब्द बुद्ध इक्रमा बिन अबी जहल और जिरार बिन खत्ताब वगैरह शामिल थे उनके घोड़े अंदर दाखिल होकर चक्कर काटने लगे ऐसे में सैयदना अली रजी अल्लाह चंद मुसलमानों के साथ निकले और जिस मकाम से उन्होंने खंडक अबूर की थी उस पर कब्जा कर लिया इस तरह उन्होंने उन लोगों का वापसी का रास्ता बंद कर दिया इस पर अमर बिन अब्दे ने उन्हें मुकाबले के लिए ललकारा वो बहुत बहादुर और जालिम था सैयदना अली रजियाल्ला ने कोई बात कहकर उसे भड़का दिया वो घोड़े से उतर आया अब दोनों ने एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर वार किए आखिर सैयदना अली ने उसे एक कारी जरब लगाई वो वहीं ढेर हो गया बाकी मुशरक भाग निकलने में कामयाब हो गए भागते वक्त उनकी बदहवासी का आलम यह था कि इक्रमा अपना नेजा छोड़ गया नौफल बिन अब्दुल्लाह में जा जिसे मुसलमानों ने कत्ल कर दिया अब मुश्रकीन ने तीर अंदाजी शुरू कर दी तीरों के साथ वो पत्थर भी बरसा रहे थे मुसलमान औरतें एक कले में महफूज थीं। वो कला बनु कुरेजा के पास था बनु कुरैजा ने जब ये देखा कि मुसलमान हमले की जद में हैं, इधर मैदान खाली है तो कले पर कब्जे के बुरे इरादे से कले की तरफ बढ़े एक यहूदी तो फाटक के पास पहुंच गया औरतों ने भी उन्हें देख लिया और उनके इरादे को भांप लिया सैयदना जुबैर रजी अल्लाह की वालिदा और नबी करीम वसल्लम की फूफी सैदा सफिया रजियाल्ला आगे बढ़ी और उस पर हमला कर दिया आन की आन में वो ढेर हो गया उन्होंने उसका सर काटकर मैदान में फेंक दिया अपने साथी का सर देखकर बनु कुरैजा के लोग यह समझे कि कले में मुसलमानों की फौज मौजूद है लिहाजा आगे बढ़ने से रुक गए और वापस लौट गए गजब शव्वाल पांच हिजरी में पेश आया था मुशरकीन ने करीबन एक माह तक मुसलमानों का मुहासरा जारी रखा इसका मतलब है मुहासरा शब्बाल में शुरू हुआ और जीकात में खत्म हुआ इब्ने साद का बयान है कि जिस रोज रसूल ला ला वापस हुए वो बुद्ध का रोज था और जीकात के खत्म होने में सिर्फ सात दिन बाकी थे इस जंग में दोनों तरफ के सिर्फ चंद अफराद मारे गए यानी दस मुशरक और छह मुसलमान एक तीर सात मुआज रजी अल्लाह को लगा जिससे उनके बाजू की बड़ी रग कट गई उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अगर कुरैश की जंग अभी कुछ बाकी है तो उसके लिए उन्हें जिंदा रखे वरना इसी जख्म को उनकी मौत का सबब बना दे अलबत्ता उन्होंने अपनी दुआ में यह भी कहा या अल्लाह मुझे मौत न दे यहाँ तक कि बनु कुरैजा से मेरी आंखें ठंडी हो जाए खंदक की लड़ाई दरअसल जान और माल के नुकसान की जंग नहीं थी बल्कि ये जंग आसाब की जंग थी इसमें कोई खून रेज मारे का पेश नहीं आया लेकिन फिर भी ये इस्लामी तारीख की एक फैसला कुंज थी इस जंग के नतीजे में मुशरकिन के हौसले पस्त हो गए और उन पर यह बात वाज हो गई कि वो मुसलमानों की इस छोटी सी जमात को जो मदीना मुनवरा में नशोनुमा पा रही थी खत्म नहीं कर सकते वो क्या अरब की कोई ताकत भी इन्हें खत्म नहीं कर सकती इस ख्याल की वजह यह थी कि गजबा खंदक में मुशरकिन बड़ी ताकत साजो सामान और भारी तादाद के साथ आए थे उस वक्त इससे बड़ी ताकत फराहम करना अरबों के बस की बात नहीं थी इसलिए रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने अहजाब से वापसी के बाद फरमाया, वला नहनु नसीरु अब हम उन पर चढ़ाई करेंगे वो हम पर चढ़ाई नहीं करेंगे अब हमारा लश्कर उनकी तरफ जाएगा नबी अक्रम सलाम गजब खंदक से वापस आने के बाद अभी हथियार और कपड़े उतार कर उम्मे सलामा रजील के घर में गुसल करके फारिग ही हुए थे कि जिब्राइल तशरीफ ले आए और बनु कुरैजा की तरफ निकलने का हुक्म देते हुए फरमाया मैं आगे आगे जा रहा हूँ इन कलों में जलजला बर्पा करूंगा और उनके दिलों में रोब डालूंगा ये कहकर वो फरिश्तों के साथ रवाना हो गए इधर वसल्लम ने लोगों में मुनादी कराई कि जो शख्स सुन रहा है और इताद पर कायम है वो असर की नमाज बनू कुरैजा में पढ़े इसके बाद आपने मदीना मुनवरा का इंतजाम इब्ने मक्तूम रजी अल्लाह अन्हु को सौंपा और सैदिना अली अन्हु को जंग का अलम देकर हरावल दस्ते के तौर पर एक जमात के साथ आगे रवाना फरमाया बनु कुरैजा ने उन्हें देखा तो नबी करीम वसल्लम को बुरा भला कहने लगे मजाक उड़ाने लगे इधर ऐलान सुनकर मुसलमान भी झटपट तैयार हुए और निकल पड़े बाज लोग अभी रास्ते में थे कि असर का वक्त हो गया चुनाचे कुछ लोगों ने वहीं नमाज पढ़ ली और कुछ ने बनु कुरैजा पहुंचकर नमाज पढ़ी रसूल सल्ह वसल्म भी महाजरीन और अनसार के साथ निकले आपने बनु कुरैजा के दियार में पहुंचकर उना नामी कुएं पर पड़ाव डाला अल्लाह ताला ने बनु कुरैजा के दिलों पर ऐसा रोप तारी किया लड़ाई की जरूरत न हुई मुसलमानों ने भी सख्ती से मुहासरा जारी रखा जब यहूद ने देखा कि मुहासरा तूल पकड़ता जा रहा है तो चाह की अपने बाज मुसलमान से मशवरा करें चुनाचे उन्होंने रसूल सल्लाह वसलम ऐसी दरखास्त की कि वो अबू लुबाबा को भेज दें ताकि उनसे मशवरा कर लिया जाए आपने अबू लुबाबा को भेज दिया उन्हें देखकर मर्द हजरात उनकी तरफ दौड़ पड़े औरतें और बच्चे उनके सामने धाड़े मार कर रोने लगे इस कैफियत को देखकर लुबाबा रजी अबू लुबाबाजी पर रिक्कत तारी हो गई इस पर यहूद ने कहा क्या आप मुनासिब समझते हैं कि हम मोहम्मद सल्लम के फैसले पर हथियार डाल दें उन्होंने कहा हाँ यही करना चाहिए साथ ही उन्होंने हाथ से अपने हलक की तरफ इशारा किया इसका मतलब ये था कि जब कर दिए जाओगे हम उन्हें फौरन ही एहसास हुआ कि ये इशारा करके उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल वसल्लम से ख़यानत की है चुनाचे वहाँ से वापस लौटे तो सीधे मस्जिद नबवी में पहुंचे खुद को एक सुतून से बांध लिया और कसम खाई अब मुझे अल्लाह के रसूल सल्लाह सल वसल्लम ही अपने हाथ मुबारक से खोलेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तिला हुई तो आपने फरमाया अगर वो मेरे पास आ गए होते तो मैं उनके लिए मगफिरत की दुआ कर देता लेकिन जब वो ये काम कर बैठे हैं तो हम भी उन्हें छोड़े रखेंगे यहाँ तक कि अल्लाह ही उनके बारे में फैसला फरमा दे उधर मुहासरे ने मजीद तूल पकड़ा तो बनू कुरैजा के हौसले बिल्कुल पस्त हो गए चुनाचे 25 रोज के बाद उन्होंने अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया और कहा आप हमारे बारे में जो फैसला मुनासिब समझे वो करें आपने मर्दों को बांध लिया औरतों और बच्चों को अलाहदा कर लिया इस पर कबीला औस के लोगों ने अर्ज किया ये हमारे हलीफ हैं इन पर रहम फरमाए जिस तरह हजरत के हलीफों बनु कैनका पर एहसान फरमाया था आपने फरमाया क्या आप लोग इस बात पर राजी हैं कि आपके बारे में आप ही का एक आदमी फैसला कर दे उन्होंने कहा क्यों नहीं हमें ये बात मंजूर है जख्म लगा था इसकी वजह से वो मदीना मुनवरा में थे उन्हें गधे पर सवार करके लाया गया जब ये रसूल सल्लाह के करीब पहुंचे तो आपने फरमाया अपने सरदार की तरफ उठो चुनाची ये लोग उठकर उनके के लिए गए, उन्हें दोनों तरफ से घेर लिया और कहने लगे साद, अपने हलीफों के बारे में हुसने सुलूक कीजिएगा सैयदना साद खामोश थे उन्होंने उनकी बात का कोई जवाब न दिया जब लोगों ने बहुत जोर दिया तो बोले अब वक्त आ गया है साद को अल्लाह के बारे में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं ये सुनकर बाज लोग वहीं से मदीना मुनवरा की तरफ पलट आए और कैदियों की मौत का एलान कर दिया जब सयदिनाजी उतरे और उन्हें बताया गया कि बनु कुरैजा उनकी सालसी पर रजामंद हैं, तो उन्होंने फैसला सुनाया मर्दों को कत्ल कर दिया जाए औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया जाए और अमवाल तकसीम कर दिए जाए रसूल फरमाया तुमने उनके बारे में वही फैसला किया है जो सात आसमानों के ऊपर से अल्लाह ताला का फैसला है ये फैसला यहूदी शरीयत के शरीयत के के मुताबिक था, बल्कि उनकी फैसले के मुकाबले में ज्यादा रहम और नरमी पर मबनी था सैयदना साद रजी के इस फैसले के बाद बनु कुरैजा को मदीना मनवरा लाया गया और बनु नज्जार की एक औरत के घर में कैद कर दिया गया ये हारिस की बेटी थी उसके बाद मदीना मुनवरा के बाजार में खंदकें खोदी गईं, फिर उन्हें एक एक गिरोह करके ले जाया गया और उन खंदकों में उनकी गर्दने उनकी गर्दनें मारी गईं। तादाद 400 के करीब थी यह भी कहा जाता है कि 6 और 700 के दरमियान थी उन्हीं के साथ बनु नजीर का सरदार हुयई बिन अख्तब भी मारा गया यहूद के उन बीस सरदारों में से था जिन्होंने कुरैश और को गोजवाब के लिए तैयार किया था फिर बनु कुरैजा के पास आकर उन्हें आहद शिकनी पर उकसाया था यहाँ तक कि उन्होंने मुसलमानों की जिंदगी के मुश्किल तरीन अवकात में उनके साथ गद्दारी की थी और गद्दारी करते वक्त हुयाई बिन अख़तब से ये शर्त लगाई थी कि ये भी उनके साथ रहेगा और जो हश उनका होगा वही इसका भी होगा चुनाची मुहासरा खत्म होने और हथियार डाल देने के बाद यह भी उनके साथ कत्ल कर दिया गया जब बनु कुरैजा का, का काम तमाम हो गया तो बंदा साले सयद सात रजी की दुआ कबूल हो गई वो मस्जिद नबवी के एक खैमे में थे ताकि नबी सल्लल्लाहु वसल्लम करीब ही से उनकी आदत कर लिया करें एक दिन उनके ऊपर से एक बकरी गुजर गई इससे उनका जख्म ताजा हो गया और हंसली की हड्डी के पास से खून बह निकला इस कदर खून जारी हुआ कि उनकी मौत वाके हो गई। उनका जनाजा मुसलमानों के साथ साथ फरिश्तों ने भी उठाया और उनकी मौत पर रहमान का अर्श लरज उठा उधर अबू लुबाबा रजी अल्लाह अनहो पर छह रातें गुजर चुकी थी नमाज के लिए उनकी बीवी उन्हें खोल देती थी इसके बाद वो फिर खुद को सुतून से बांध लेते थे आखिर सय्यदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा के घर में उनकी तौबा नाज़िल हुई सय्यदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा ने उन्हें बशारत दी तो लोग उन्हें खोलने के लिए दौड़ पड़े लेकिन उन्होंने उन सबको रोक दिया और कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा मुझे कोई न खोले आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर के लिए निकले तो उन्हें खोल दिया

मोहम्मद बिन मसलमा रजील्लान्हो को तीस सवारों के साथ जरिया के अतराफ में भेजा था ताकि बनी बकर बिन किलाब को तमबीह करें जरिया बसरा के रास्ते में मदीना मुनवरा से सात रात के फासले पर वाक है इन सवारों ने वापस आते हुए सुमामा बिन उसाल को देख लिया इन्हें उन पर शक गुजरा चुनाचे गिरफ्तार करके मदीना मुनवरा ले आए और मस्जिद के एक सतून से बांध दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे तो फरमाया सुमामा तुम्हारे नजदीक क्या है उन्होंने कहा ए मोहम्मद मेरे नज़दीक खैर है अगर कत्ल करोगे तो एक खून वाले को कत्ल करोगे अगर एहसान करोगे तो एक कदरदान पर एहसान करोगे माल चाहते हो तो मांगो जो चाहोगे दिया जाएगा नबी वसल्लम उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए और उन्हें उनके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ गए दूसरे दिन नबी करीम फिर उस तरफ से गुजरे तो आपने फरमाया सुमामा तुम्हारा क्या हाल है वो बोले मैं ठीक हूँ अगर कत्ल करोगे तो एक किसास वाले को कत्ल करोगे अगर एहसान करोगे तो एक कदरदान पर एहसान करोगे अगर माल चाहते हो तो मांगो जो चाहोगे दिया जाएगा आप उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और आगे बढ़ गए तीसरे दिन फिर यही गुफ्तु हुई उस रोज आपने फरमाया सुमामा को छोड़ दो सहाबे की राम रजियाल ने उन्हें छोड़ दिया इसके बाद उन्होंने गसल किया और मुसलमान हो गए इस्लाम लाने के बाद वो बोले अल्लाह की कसम इस्लाम लाने से पहले रूए जमीन पर कोई चेहरा मेरे नजदीक आपके चेहरे से ज्यादा काबिल नफरत नहीं था लेकिन अब आपका चेहरा मेरे नजदीक रूए जमीन पर सबसे ज्यादा महबूब हो गया है और अल्लाह की कसम रुए जमीन पर कोई दीन मेरे नजदीक आपके दीन से ज्यादा नापसंदीदा नहीं था मगर अब आपका दीन मेरे नजदीक तमाम अधियान से ज़्यादा पसंदीदा हो गया है वापसी पर सयदिना सुमामा रजी उम्रे के लिए मक्का गए तो कुरैश ने उन्हें इस्लाम लाने पर मलामत की इस पर वो बोले अल्लाह की कसम तुम्हारे पास यमामा से गंदुम का एक दाना भी नहीं आएगा जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी इजाजत न दे चुनाचे वापसी पर उन्होंने नबी खत लिखा उसमें अपनी कराबत का वास्ता दिया और दरखास्त की आप सुमामा को लिख दें वो गंदुम फरोख्त करने की इजाजत दे दें आपने सुमामा रजिया को लिख दिया बनू लिहान वही है जिन्होंने रजी के मकाम पर धोखे से आठ सहाबीअल को शहीद किया था और दो को आहले मक्का के हाथों फरोख्त कर दिया था जहाँ वो बेदर्दी से शहीद कर दिए गए थे ये लोग हिजाज के बहुत अंदर उस फार्म की हदूद में आबाद थे इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इंतकाम लेने में कदरे तखिर से काम लिया जब कुफार के मुख्तलिफ गिरोहों में फूट पड़ गई और आप दुश्मनों से किसी कदर मुतमयन हो गए तो आपने मदीना मुनवरा का इंतजाम इबने अन्हों को सौंप कर दो सौ सहाबा और बीस घोड़ों के साथ रबी उल 6 छह हिजरी में बनू लहियान का रुख किया और यलगार करते हुए बतने गर्राम तक पहुँच गए ये अमज और उस्फान के दरमियान बतने गर्रान नामी एक वादी है और इसी जगह आपके किराम को शहीद किया गया था। आपने उनके लिए रोज तक यही फरमायानु लिहियान को आपकी आमद की खबर मिल गई वो पहाड़ों की तरफ भाग गए उनका कोई आदमी हाथ ना आ सका फिर आपने उफान का कष्ट किया और वहां से दस सवारों का दस्ता आगे भेजा ताकि उनकी आमद का हाल सुनकर मरूब हो जाए इस दस्ते ने कुराउल गमीन तक का चक्कर लगाया इसके बाद आप कुल चौदह दिन मदीना मुनवरा से बाहर गुजार कर वापस मदीने लौट आए जुमादल उला छह हिजरी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैदिना जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हो को एक सौ सत्तर सवारों के साथ ईस की जानब रवाना फरमाया इन्हें रवाना करने का मकसद ये था कि वो शाम से आने वाले एक कुरैशी काफिले को पकड़े उस काफिले के वसल्लम रसूल सल सादा जैनब रजी अल्लाह के शौहर अबुल आस बिन रबी थे इस मुहिम में कुरैश के एक काफिले का माल हाथ आया लेकिन अबुल आस भाग निकलने में कामयाब हो गए और सीधे मदीना मनवरा जा पहुंचे उन्होंने सैयदा जैनब रजी अल्लाह की पनाह ले ली और उनसे कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहें आप काफिले का सामान वापस कर दें सैयदा जैनब रजी अल्लाह रजिया ने सिफारिश की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी बड़ी हर चीज वापस कर दी अबुल आस सारा माल लेकर मक्के पहुंचे अमानतें उनके मालिकों के हवाले की फिर मुसलमान होकर मदीना मुनवरा आ गए नबी करीम सलम ने पहले ही निकाह के तहत सैयदा जैनब रजी रजिया को उन्हें वापस कर दिया यह वापसी तीन साल से कुछ ज्यादा अरसा बाद हुई थी ने इस दौरान में मजीद कई सराया भेजे जिनका दुश्मन की सरकशी तोड़ने उनके शर की आग बुझाने और दूर दराज इलाकों में अमन फैलाने में बड़ा असर था फिर आपके पास कुछ इस तरह की खबरें आईं कि आप गजवा बनुल मुस्तलिक के लिए तशरीफ ले गए ये गजवा पांच हिजरी या छह हिजरी में हुआ बनुल बनुलमुस्तलिक कबीला खुजा की एक शाख थी कबीला खुजा के लोग आमतौर पर रसूलुल्लाह रसुल्लाम के खैर खाह थे मगर ये शाख कुरैश की तरफदार थी रसूल सलम को मालूम हुआ कि ये लोग आपसे लड़ने के लिए जंग की तैयारी कर रहे हैं आपने इस खबर की तहकीक के लिए बुरैदा बिन हसीब रजी अल्लाह को भेजा उनसे मालूम हुआ कि खबर दुरुस्त है लिहाजा आपने मदीना मुनवरा का इंतजाम सैयद जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह को सौंपा और ये भी कहा जाता है किसी और को सौंपा और बनुल मुस्तलिक की तरफ यलगार करते हुए निकले ताकि बिल्कुल अचानक उन पर टूट पड़े आपके साथ सात सौ सहाबा थे और बनुल मुस्तलिक उस वक्त कुदैद के अतराफ में साहिल के करीब मुरैसी नामी एक चश्मे पर पड़ाव डाले हुए थे आपने इस हाल में उन पर छापा मारा कि वो गाफिल थे बास को कत्ल किया, औरतों और बच्चों को गिरफ्तार किया और माल मवेशी पर कब्जा कर लिया उस वक्त शाबान पांच हिजरी के आखिरी दिन थे और ये भी कहा जाता है कि छह हिजरी के इब्तदाई दिन थे कैदियों में बनुल मुस्तलिक के रईस हारिस बिन अबी जिरार की साहिबजादी जुबैरिया भी थी मदीना मुनवरा आकर उनके इस्लाम लाने पर नबी वसल्लम ने उन्हें आजाद करके उनसे शादी कर ली इस पर साहब ने बरुल मुस्तलिक के सौ घराने आजाद कर दिए ये पहले ही मुसलमान हो चुके थे किराम ने उन्हें आजाद करते हुए कहा ये रसूल सल्लाह के ससुराल के लोग हैं इस तरह मोमिनीन उम्मल मोमिन सैयदा जुबैर अपनी कौम के लिए निहायत अजीम और बरकत वाली खातून साबित हुई इस गजबे से वापसी पर जब मुसलमानों के पास पीने के लिए और वजू के लिए पानी न बचा तो तयम का हुक्म नाजिल हुआ इसी साल पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ मुसलमान औरतों और मर्दों को निगाह नीची रखने का हुक्म दिया गया पर्दे के मुतालिक अहकाम सूर नूर की आयत तीस और इकतीस में तफसी मौजूद है पर्दे के इस हुक्म हुए पाकिजा बल्कि सभी खुदी की इज्जत को हमेशा के लिए पनहगा मिल गई और इंसानी मुआरे में औरतों की इज्जत और वकार को इनतहाई काबिल कदर तहफ मिल गया इस तरह औरतों के लिए एहतराम में इस कदर इजाफा हुआ की जो कायनात के किसी और निजाम ने औरतों को अता नहीं किया था को अगर, अगर अपना खानतबा हो, तो होगा। चंद साल पहले तक इस्लाम के रास्ते में मसायब और मुश्किल के पहाड़ हायल थे लेकिन अब रसूल सल्लाह वसलम के एजाज अखलात और तदब्बर से और मुसलमानों के अखलास इशार और कोशिशों से वो एक एक करके दूर हो गए अब इस्लाम की तरक्की की राह में बस दो ही रुकावटें रह गई थी एक मक्का के मुशरक दूसरे खैबर के यहूदी मक्के के मुशरकों से आप ये चाहते थे कि वो इस्लाम की तहरीक को अमनो अमान से आगे बढ़ने दें और जो लोग खुशी से इस्लाम के हल्के में आना चाहे उन्हें ये मौका दिया जाए मक्का मुअज़्ज़मा में गरीब और कमजोर मुसलमान औरतों बच्चों और बेबस मुसलमान मर्दों को जो नज़रबंद कर रखा है उन्हें मदीना मुनवरा आने दिया जाए मुसलमानों को मक्का आने जाने और खाना -ए काबा के तवाफ और हज की आज़ादी मिल जाए दूसरी तरफ रसूल सल्लासम खैबर के यहूद से सिर्फ ये चाहते थे कि वो इस्लाम की ताकत को तस्लीम कर लें ये दोनों रुकावटें इस साल के दौरान हुदैबिया और यहूद के मुकम्मल खात्मे से दूर हो गईं। मुहाजिरीन को मक्का मुज्मा छोड़े करीबन छह साल बीत चुके थे कुछ लोग काबे की जियारत को बहुत तरस रहे थे और कुछ अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए बेचैन थे दोनों जज्बे फितरी थे हिजरत के मुकद्दस फरीजे ने इस फितरी जज्बे को दबा दिया था हिजरत के छठे साल मदीना मुनवरा में रसूल को ख्वाब दिखलाया गया कि आप और आपके सहाबा के साथ हराम में दाखिल हुए आपने खाना की कुंजी ली और साहब किराम समेत बेतुल्लाह का तवाफ और उमरा किया फिर कुछ लोगों ने सरों को मुंडवाया और कुछ ने कसर करवाया आपने साहब किराम रजिया को इस ख्वाब की इतला दी और ये बतलाया कि आप उम्र अदा फरमाएंगे लिहाजा किराम भी सफर के लिए तैयार हो गए मदीना के गर्दोपेश की आबादियों में भी रवानगी काम पीर के रोज यकुम जीका हिजरी को चौदह सौ महाजरीन के साथ मदीना मुनवरा से रवाना हुए और अपने साथ कुर्बानी के जानवर भी लिए के लोग जान लें कि आप जंग के लिए नहीं उमरे के लिए जा रहे हैं जैफा पहुंचकर जानवरों को किलादे पहनाए गए उनकी कुहाने चीरकर निशान बनाया और उम्रे का एहराम बांधा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर जारी रखा उस्फान पहुंचे तो आपको इतला दी गई कि कुरैश मुसलमानों को बैतुल्लाह से रोकने और जंग करने का तहैया किए बैठे हैं उन्होंने जी तुआ में पड़ाव डाल रखा है और खालिद बिन वलीद को 200 सौ सवारों के साथ उस्फान के करीब कुर उल गमीम भेज दिया है ताकि वो मक्का आने वाला रास्ता बंद रखें नीज अपनी मदद के लिए हलीफ कबाइल को भी जमा कर लिया है इस पर रसूल वसल्लम ने साहबा किराम से मशवरा किया कि क्या करें ये हलीफ कबाइल जो जमा हुए हैं उनके घरों पर हल्ला बोल दें या सीधे बैतुल्लाह का कस्त करें और जो रोके उससे लड़े अबू बकर हम उम्र नहीं लिहाजा जो हमारे और बैतूल के दरमियान रुकावट बनेगा हम उससे लड़ेंगे अलैहि वसल्लम ने इस राय को पसंद फरमाया उधर खालिद बिन वलीद ने जोहर की नमाज में मुसलमानों को रुकू और सईदा करते देखा तो कहा ये लोग गाफिल थे हमने हमला किया होता तो इन्हें मार लिया होता फिर उन्होंने तय किया कि असर की नमाज के दौरान हमला करेंगे लेकिन अल्लाह ने जोहर और असर के दरमियान सलाते हालत जंग में नमाज का हुक्म नाजिल फरमाया इस हुक्म में वजाहत की गई कि इस हालत में मुसलमान नमाज किस तरह अदा करें इस तरह खालिद बिन वलीद के हाथ से ये मौका भी जाता रहा फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रास्ते को छोड़कर एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया और मक्के से नीचे दाहिने हाथ चलकर सनी मुरार पहुंच गए जहां से हुदैबिया में उतरते हैं वहां पहुंचे तो आपकी ऊंटनी बैठ गई लोगों ने उसे उठाने की कोशिश की तो भी न उठी अब लोगों ने कहा कस्वा अड़ गई है इस पर आपने फरमाया कस्वा अड़ी नहीं न ये इसकी आदत है बल्कि इसे उस हस्ती ने रोक रखा है जिसने हाथी को रोक दिया था फिर आपने फरमाया अल्लाह की कसम ये लोग मुझसे किसी भी ऐसे मामले का मुतालबा नहीं करेंगे जिसमें अल्लाह की हुरमतों की ताजीम कर रहे हूं मगर मैं उसे जरूर तस्लीम कर लूंगा इसके बाद आपने ऊटनी को डांटा तो वो उछलकर खड़ी हो गई फिर आपने आगे बढ़कर हुदैबिया में पड़ाव डाला इसके बाद बुदैल बिन वरका खुजाई खुजा की एक जमात के साथ आया ये लोग रसूल सल्लाम के खैर खा थे इसने बताया कि कुरैश आपसे जंग करने और आपको बैतुल्लाह से रोकने का तहिया किए बैठे हैं आपने उससे फरमाया हम सिर्फ उमरा करने आए हैं लड़ाई के लिए नहीं आए और हम सुलह के लिए तैयार हैं लेकिन अगर कुरैश ने लड़ाई ही पर इसरार किया तो हम उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक के मेरा सर तन से जुदा नहीं हो जाता या अल्लाह का हुक्म नाफिज नहीं हो जाता बुदैल ने वापस पलट कर यह बात कुरैश को बताई उन्होंने मिकरस बिन हफ्स को भेजा। आपने उससे भी वही बात कही जो बुदैल से कही थी इसके बाद कुरैश ने हलीफ कबाइल के सरदार हुलैस बिन अलकम को भेजा जब वो नमूदार हुए तो ने फरमाया ये शख्स ऐसी कौम से ताल्लुक रखता है जो कुर्बानी के जानवरों का बहुत एहतराम करती है लिहाजा जानवरों को खड़ा कर दो साहबा ने जानवरों को खड़ा कर दिया और खुद भी लबैग पुकारते हुए उसका किया। उसने ये हालत देखी तो कहा सुबह इन लोगों को बैतुल्ला से रोकना हरगिज मुनासिब नहीं भला ये क्या कि लख्म जुजाम और हिमियर के लोग तो हज करें और अब्दुल मुत्तलिब का बेटा बैतुल्ला से रोक दिया जाए बैतुल्लाह के रब की कसम कुरैश बर्बाद हुए ये लोग उमरा करने आए हैं कुरैश ने यह बात सुनी तो कहा बैठ जाओ तुम आराबी हो तुम्हें चालबाजियों का इल्म नहीं इसके बाद कुरैश ने उर्वा बिन मसूद सकफी को भेजा उसने आकर बात की वसल्लम ने उससे भी वही कहा जो बुदैल से कहा था उसने दरबार नबुवत की कैफियत देखी तो दंग रह गया उसने मक्का वापस जाकर कहा मैंने कैसर किसरा के दरबार देखे हैं मगर जैसे जानिसार मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को मिले हैं उनकी कोई मिसाल नहीं उनके नबी जब वजू करते हैं तो ये लोग वजू का पानी जमीन पर नहीं गिरने देते अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय किया कि कुरैश के पास एक सफीर भेजें जो उन्हें यकीन दिलाए कि आप उमरा ही के लिए आए हैं चुनाचे आपने सयदिना उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह को रवाना फरमाया और उन्हें ये हुक्म भी दिया कि वो मक्का के कमजोर मोमिन मर्दों और औरतों के पास जाकर उन्हें करीब ही फतेह की बशारत सुनाए और यह बतला कि ताला अपने दीन को मक्का में जाहिर और गालिब करने वाला है यहाँ तक के कि किसी को ईमान छुपाने की जरूरत नहीं होगी सैदिना उस्मान रजी अलाहो अबान बिन सईद उमवी की पनाह में मक् मज़मा के अंदर दाखिल हुए और पैगाम पहुंचाया कुरैश ने उस्मान को पेशकश की कि बैतुल्ला का तवाफ कर लें इस पर उस्मान रजी सैयदिना ने फरमाया ये कैसे मुमकिन है कि रसुल्लाम को तो बैतल्लाह से रोक दिया जाए और उस्मान तवाफ करे फिर उन्होंने सैदिना उस्मान रजी अल्लाह को रोक लिया गालिबा वो चाहते थे कि आपस में मशवरा कर लें फिर जवाब समेत उन्हें रुखसत करें लेकिन उनके वापस पहुंचने में देर हुई तो मुसलमानों में यह अफवाह फैल गई कि उन्हें कत्ल कर दिया गया है चूंकि कासिद के कत्ल का मतलब एलान जंग है इसलिए रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम इस जगह से तल नहीं सकते यहां तक के इन लोगों से मार का आरई न कर लें। फिर आपने एक दरख्त के नीचे चौदह सौ सहाबा कि राम से बैत ली साहबा ने बड़ी गर्मजोशी के साथ मौत पर और मैदान से ना भागने पर बैत की इस मौके पर रसूल ने अपना एक हाथ दूसरे हाथ से पकड़कर फरमाया ये उस्मान का हाथ है लेकिन जब बैत मुकम्मल हो चुकी तो सही दिना उस्मान रजी अल्लाह भी आ गए अल्लाह ने इस बैत की फजीलत में सूरतुल्फ की आयत अट्ठारह नाजिल फरमाई यकीन अल्लाह से राजी हुआ जब वो आपसे दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे और यहीं से इसका नाम बैत रिजवान मशहूर हुआ कुरैश ने इस बैत का हाल सुना तो उन पर बड़ा जबरदस्त रोप तारी हुआ और उन्होंने सुलह करने के लिए सुहेल बिन अम्र को भेजा सुहैल बिन अम्र ने लंबी गुफ्तगु की आखिरकार ये शराय तय हुई नंबर एक रसूल सल इस साल मक्के में दाखिल हुए बगैर लौट जाएंगे अगले साल मक्के आएंगे और तीन रोज क्याम करेंगे उनके साथ कोई हथियार नहीं होगा सिर्फ तलवारें होंगी वो भी म्यान के अंदर नंबर दो फरीकैन में दस साल के लिए जंग बंद रहेगी नंबर तीन जो शख्स मोहम्मद वसल्लम के अहद में दाखिल होना चाहे दाखिल हो सकता है और जो कुरैश के आहद में दाखिल होना चाहे दाखिल हो सकता है नंबर चार कुरैश का जो आदमी मुसलमानों की पनाह में जाएगा मुसलमान उसे कुरैश के हवाले कर देंगे लेकिन मुसलमानों का जो आदमी कुरैश की पनाह में आएगा कुरैश उसे वापस नहीं करेंगे नंबर इसके बाद आपने सयदिना अली रजी अला को बुलाया और इमला कराई के लिखो बिस्मिल्लाहमान रहीम इस पर सुहेल बिन अम्र ने कहा हम नहीं जानते रहमान क्या है आप

मैं अल्लाह का रसूल हूँ अगरचे तुम झुटलाओ फिर आपने सैदिना सैदिना मिटा मिटाना गवारा न किया इसलिए नबी करीम सल्लम ने खुद अपने दस्ते मुबारक से मिटाया फिर पूरी दस्तावेज के दो नुस्खे लिखे गए एक नुस्खा कुरैश के लिए दूसरा मुसलमानों के लिए की जाहिर में बहुत सख्त थी इसीलिए मुसलमानों को उनके मानने में तमुल हो रहा था लेकिन जब खुद रसूल लाह। वसल्लम उनको मान चुके तो फिर इनकार की जरूरत कौन करता और फिर चंद ही दिनों बाद मालूम हो गया कि ये शराय इस्लाम के हक में बेहद फायदा मंद थी अभी सुलहनामा लिखा जा रहा था कुरैश के नुमाइंदे सुहेल बिन अमर के साहिबजादे अबू उनकी वापसी का मुतालबा कर दिया नबी करीम सरमाया तो नहीं, नहीं करता आपने फरमाया अच्छा तुम इसे मेरी खातिर छोड़ दो उसने कहा यह भी नहीं हो सकता फिर सुहैल ने अबू जंदल को मारा अबू जंदल ने चीख कर कहा मुसलमानों क्या मैं मुशरकिन की तरफ वापस किया जाऊंगा कि वो मुझे मेरे दीन से फितने में डालें? इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र करो और सवाब का बायस समझो अल्लाह तुम्हारे लिए और तुम्हारे अलावा जो दूसरे कमजोर मुसलमान हैं उन सबके लिए कुशादगी और पनाह की जगह बनाएगा हमने मुश्रकिन से सुलह कर ली है और हमने इनको और इन्होंने हमको इस पर अल्लाह का आहद दे रखा है इसलिए हम बद आहदी नहीं कर सकते इस सुलह का असर इस्लामी दावत की रफ्तार पर बहुत अच्छा हुआ आम अरब से मिलने और उन्हें अल्लाह की दावत देने का मौका मुसलमानों के हाथ लगा चुनाचे लोग बकसरत इस्लाम में दाखिल हुए और सिर्फ दो साल में मुसलमानों की तादाद इतनी हो गई 19 बरसों में नहीं हुई थी जो ने कुरैश का निचोड़ थे यानी हाजिर हुए इस्लाम पर बिन की और उसके रास्ते में जान माल अपनी ताकत और अपना सब कुछ कुरबान करने का मुआदा किया तब आपने फरमाया मक्का ने अपने जिगर गोशो को हमारे हवाले कर दिया मुहर्रम सात हिजरी में रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने का कस्त फरमाया। इस मौके पर उन लोगों ने भी इजाजत मांगी जो हुद़ैबिया के मौके पर पीछे रह गए थे आपने ऐलान फरमाया मेरे साथ वही रवाना हो जिसे जिहाद की ख्वाहिश हो रहा माल गनीमत तो उसमें से कुछ नहीं मिलेगा इसके नतीजे में आपके साथ बैत रिजवान वाले चौदह सौ असहाब ही रवाना हुए आपने मदीने का इंतजाम सिबा उर्फुता बिन गिफारी रजी अल्लाह को सौंपा फिर खैबर जाने वाले जाने पहचाने रास्ते पर चल पड़े करीबन रास्ता तय करने के बाद आपने एक दूसरा रास्ता इख्तियार फरमाया जो मुल्क शाम की जानिब से खैबर पहुंचाता था इससे आपका मकसद ये था कि यहूदियों के लिए मुल्क शाम की तरफ भागने का रास्ता बंद कर दें आपने सफर की आखिरी रात खैबर के पास गुजारी मगर यहूदी बेखबर रहे फिर फजर की नमाज अंधेरे में पढ़ी और सवार होकर खैबर का रुख किया उधर यहूद बेखबरी में अपने फावड़े और टोकरिया वगैरह लेकर अपनी जमीनों की तरफ निकले उन्होंने अचानक लश्कर को सामने देखा तो चीखते हुए भागे अल्लाह की कसम मुहम्मद लश्कर समेत आ गए नबी सला ने फरमायाकबर खैबर तबाह हुआ जब हम किसी कौम के मैदान में उतर पड़ते हैं तो डराए हुए लोगों की सुबह बुरी हो जाती है खैबर मदीना मुनवरा से एक सौ इकहत्तर किलोमीटर शिमाल में वाक है उस वक्त इसकी आबादी तीन हिस्सों में बटी हुई थी एक नुतात दूसरे कुतैबा और तीसरे शक नुतात में तीन कले थे हिसने नाइम हिसने साब बिन मुआज और हिसने कला जुबैर। शक में दो कले थे हिसने अभी और हिसने नजार और कुतैबा में तीन कले थे हिसने कमूस, हिसने वतीह, हिसने सलाले। इनके ख़ैबर में मजीद कले और गढ़िया भी थी मगर वो छोटी और ताकत और हिफाजत में उनके हम पल्ला नहीं थी। रसूल सलम ने नुताद के कलों के मशरक में तीरों की पहुंच से दूर पड़ाव डाला और हिसने नायम के मुहासरे से जंग का आगाज किया ये बहुत बुलंद महफूज और मुश्किल चढ़ाई वाला कला था और यहूद की पहली दफाई लाइन की हैसियत रखता था इसी में उनका शाहजोर बहादुर मरहब भी था ये हजार मर्दों के बराबर माना जाता था चंद्रोस्त तक फरीक़ैन में तीरंदाजी हुई फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह की بشارت देते हुए फरमाया कल मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल वसल्लम से मोहब्बत रखता है और जिससे अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करते हैं आपका ये फरमान सुनकर सब अंसार और महाजरीन ने इस आरजू में रात गुजारी कि झंडा उसे दिया जाए सुबह हुई तो आपने फरमायाली कहा है सहाबा कि राम ने बताया उनकी आंख आई हुई है आपने उन्हें बुला भेजा वो लाए गए आपने उनकी आंखों में लुआबे दहन लगाया और दुआ फरमाई वो उसी वक्त शिफायाब हो गए गोया उन्हें कोई तकलीफ थी ही नहीं फिर उन्हें झंडा दिया और फरमाया जंग से पहले उन्हें इस्लाम की दावत दो तो। उधर यहूद ने अपनी औरतें और बच्चे शक के खले में भेज दिए थे और उस सुबह तय किया था कि खुले मैदान में जंग करेंगे चुनाचे जब सैयदना अली रजी अल्लाह उनके पास पहुंचे तो उन्हें जंग के लिए तैयार पाया आपने उन्हें इस्लाम की दावत दी उन्होंने साफ इनकार कर दिया मरहब ने फ्र और गुरूर से तलवार लहराई और दावत मुबारजत दी यानी अपने मुकाबले में किसी को भी आने के लिए ललकारा उसने ये शेर पढ़ा खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ हथियार कोश बहादुर और तजुबाकार जब जंगो पैकार शोला जद हो इसके मुकाबले में सैदना आमिर बिन अकबर रजी अल्लाह अनहो नमूदार हुए वो कह रहे थे खैबर जानता है मैं आमिर हूँ हथियार पोश शहजोर और जंगजू फिर दोनों ने एक दूसरे पर वार किया मरहब की तलवार सैदना आमिर की ढाल में फंस गई उन्होंने चाहा कि अपनी तलवार उसकी पिंडली पर मारें लेकिन उनकी तलवार छोटी थी उसकी पिंडली तक पहुंचने की बजाय पलट कर खुद उनके घुटने में आ लगी बाद में उन्होंने इसी चोट से इंतकाल किया नबी अलैहि वसल्लम ने ना आमिर के बारे में फरमाया उनके लिए दुगना अजर है। वो बड़े जाबाज मुजाहिद थे कम ही उन जैसा कोई अरब रुए जमीन पर चला होगा सैद ना आमिर रजी अल्लाह अनहो के जख्मी हो जाने पर सैद ना अली रजी अल्लाह अनहो मरहब के मुकाबले पर आए आप ये शेर पढ़ रहे थे यानी मैं वो शख्स हूं कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर यानी शेर रखा है जंगल के शेर की तरह खौफनाक मैं इन्हें सा के बदले नेजे की नाप पूरी करूंगा इसके बाद मरहब के सर पर तलवार का ऐसा वार किया कि वो वहीं ढेर हो गया इसके बाद मरहब के भाई यासिर ने निकलकर मुकाबले की दावत दी उसके मुकाबले में सैयद ना जुबैर बिन अवाम निकले और उसे उसके भाई के पास पहुंचा दिया फिर घमसान की लड़ाई छिड़ गई बहुत से यहूदी मारे गए जिससे उनके हौसले पस्त हो गए और वो अपने मोर्चे छोड़कर भाग निकले मुसलमानों ने उनका पीछा किया और बजोर कले में दाखिल हो गए यहूद उस कले से भागकर उसके साथ वाले कले साब में मोर्चा बंद हो गए इधर मुसलमानों को कलाए हिसन नायब में बहुत सा गला खजूर और असल मिला इसके बाद मुसलमानों ने सैदना हुबाब बिन मुंजिर रजी अल्लाह अनहू की क्यादत में हिसने साहब का मुहासरा कर लिया ये मुहासरा तीन दिन जारी रहा